जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वर्ल्ड में और मैं आपकी दोस्त श्रेया दी सरकार। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप सीरीज़ के इक्वेशंस कैसे लेटेक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फ्रैक्शंस कैसे लिख सकते हैं लेटेक्स में। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो जैसे अगर आपको सीरीज़ लिखना है तो बिगिन इक्वेशन के अंदर ही आपको लिखना पड़ेगा, बिगिन और एंड इक्वेशन के अंदर। और डायरेक्टली क्या करना है आपको, आपको इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये लिखना है तो आपको ऐसे लिखना है, जैसे एक्स, फिर आपको ये अंडरस्कोर देना है, फिर वन, फिर ऐसे प्लस कर दीजिए। इसी तरीके से आपको करना है, फिर अंडरस्कोर दीजिए, फिर थ्री, इस प्रकार से लिखते जाइए। और फिर एक्स अंडरस्को एन, ठीक है, इस तरीके से आपको सीरीज़ का लिखना है। तो अब आप देखिए हमारा रिकम्पाइल करने के बाद हमारा सीरीज़ कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। देखिए सफिक्स में वन आ गया, टू भी आया, थ्री भी, एन भी, क्योंकि हमने अंडरस्कोर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे भी देखिए इक्वेशन नंबर वन आ रहा है, हमें नहीं चाहिए तो हम क्या देंगे, हम देंगे बैक स्लैश नो नंबर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। ऐसे देते हैं ये जो इक्वेशन नंबर है ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए हम जो सिंटैक्स यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है, देना है बैक स्लैश, उसके बाद हमें लिखना है एफ आर ए सी, ये लिखना है। और उसके बाद आपका जो भी फ्रैक्शन है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देती हूँ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे दे दिया मैंने, यहाँ दे दिया जैसे वन, यहाँ दे दिया थ्री, उसके बाद फिर से मान लीजिए फिर से हमें फ्रैक्शन देना है तो यहाँ पे देंगे फ्रैक, ये वाला यूज़ करेंगे, इसमें मान लीजिए वन, इसमें मान लीजिए फोर, इस तरीके से। अब हम रिकम्पाइल करेंगे इसको, अब आप देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारा फ्रैक्शन में, ठीक है। इसी प्रकार से आपको फ्रैक्शंस और फिर सीरीज को करना है, इसी तरीके से करेंगे तो कोई भी इक्वेशन सीरीज या फ्रैक्शन में आप लिख लेंगे लेटेक्स में, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस लेके मैं आती रहूँगी, ट्यूटोरियल वीडियोस। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल, थैंक यू, बाय।